नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास ये साउंड स्टैंडर्ड की CA12 ये एम्पलीफायर आया हुआ है। ये CA12 क्लास H एम्पलीफायर है, इसमें 3 स्टेज सप्लाई होती है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और इसमें दोनों प्रोटेक्ट और एक्टिव की लाइट जल रही है और दोनों प्रोटेक्शन से चैनल बाहर भी आ चुके हैं और दोनों में सिग्नल भी आ रहा है। तो आज इसमें प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये इसमें लिमिटर बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें दोनों चैनल में सिग्नल आ रहा है लेकिन इसकी प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। दोनों को फुल वॉल्यूम पर चलाते हैं। ये एक चैनल इसका लिमिटर आ रहा है और दूसरा चैनल इसका ओके है। तो प्रॉब्लम इसी में ही है कि पहला चैनल लिमिटर आ रहा है, उससे इसमें आवाज़ भी कम है और इसका प्रेशर भी डाउन है। तो आज इसी प्रॉब्लम को देखेंगे। एम्पलीफायर ऑन होते हुए प्रोटेक्शन से बाहर आते हुए भी ये लिमिटर की प्रॉब्लम किस कारण आती है और ये लिमिटर क्यों बताता है चैनल, तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि ये किस कारण से ये लिमिटर इसमें आती है। आप देख सकते हैं दोनों चैनल फुल वॉल्यूम पे है, सिग्नल इनमें प्रॉपर है लेकिन इसमें लिमिटर नहीं है, इसमें लिमिटर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आइए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और इस एम्पलीफायर को हम खोलते हैं और उसके बाद में आपको बताएंगे कि ये किस कारण से लिमिटर इसमें प्रॉब्लम आती है और चैनल इसके एकदम ओके हैं, दोनों ऑडियो भी इसमें आ रही है लेकिन ये लिमिटर के कारण ये प्रोटेक्शन पे आ जाता है सेट। तो आइए इसको देखते हैं और आपको बताते हैं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी भी देंगे कि ये प्रोटेक्शन पे आता है, लिमिटर आता है या कई फ्रेंड्स के जो भी सेट होता है उनमें ये प्रोटेक्शन की सिग्नल की लिमिटर की लाइट ये कंटिन्यूटी लाइट जलती रहती है, तो वो किस कारण से जलती है और क्या प्रॉब्लम होती है कि ये सारी लाइटें जलती रहती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे और आइए इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी हालत, अंदर से कितनी डस्ट है इसमें और ये बिल्कुल कितनी सारी डस्ट है इसके अंदर। ये चैनल की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे इसको ब्लोअर से, इसमें बहुत सारी डस्ट ही डस्ट है, आपको दिख रहा होगा। और ये सेट साउंड स्टैंडर्ड का ओरिजिनल सेट है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो इसकी डस्ट साफ करेंगे। हमने इस चैनल को बाहर निकाल लिया है, ये एक नंबर का चैनल है। तो आइए इसको देखते हैं, इसमें ऐसा कोई जला हुआ पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा और ये इसके स्टेप स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, ये वाले इसके सप्लाई कार्ड है। आप देखना चाहें ये स्टेज 2 का है और ये स्टेज 3 का है। यहाँ पे ये 70 एंटेन बड़े वाले लगे हुए हैं, 70 एंटेन एक छोटे में भी आते हैं लेकिन ये बिग साइज बड़े साइज में लगे हुए हैं। और ये आपके इधर ऑडियो सेक्शन है इसका प्री एम्प का, ये इसका प्रोटेक्शन सेक्शन है। तो फ्रेंड्स, इसके वोल्टेज आपको चेक करके बताएंगे कि
और ये क्लिप बता रहा है, जो किस कारण से ये क्लिप बता रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। हमने मल्टीमीटर को 200 की रेंज में सेट कर रखा है और एक निडल इसकी ग्राउंड पे। तो आइए हम इसमें पावर देते हैं। ये एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और सबसे पहले जो आपको इसमें चेक करने के वोल्टेज हैं वो नेसेसरीज, वो फ्यूज पे है 77 और 38। दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये एक मेन कारण है इसका भी, कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए इनमें, दोनों तरफ सेम आने चाहिए। ये आपके दूसरे जो चैनल है इस पे आपके 37 वोल्टेज आ रहे हैं और इसके जो आपके बेस वोल्टेज चेक कराए आपको, ये क्या ये आपके 0.5 और ये -0.4। तो बेस वोल्टेज इसके ओके हैं, तो इसके सप्लाई में दिक्कत है इधर, तो इसको हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसके ये जो 70 एंटेन है वो हमें चेक करने होंगे दोनों साइड हो गए, और इस साइड का तो ये आपके जला हुआ ही है, ये बिल्कुल जल गया है। तो फ्रेंड्स हमने आपके ये दोनों, ये चारों हैं जो चेंज करने हैं, और जहाँ तक है वहाँ तक ये चारों चेंज करने से आपकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो आपका ये चैनल क्लिप आता है वो ठीक हो जाएगा। आपको दिखाएं, ये देखो अब साफ दिख रहा होगा इसमें। एक तो फूट ही गया है फ्रेंड्स। इसके साथ में ये जो जो डायोड है ये भी आपको चेंज करनी होती है, ये भी कई बार ख़राब हो जाती है। उसके बाद में यहाँ वोल्टेज सिमिलर होने चाहिए, +40 और -40 वोल्ट होने चाहिए। तो इन हमने को इनको चेंज करने हैं, इनको नए लगाने हैं। फ्रेंड्स हमने ये सारे निकाल लिए हैं, अब इनकी जगह इसमें नए डालेंगे। इसका ये एक ये भी निकालेंगे और इधर के ये दोनों निकाल लिए हैं। अब इनमें नए डालेंगे 70 एंटेन और वो ओरिजिनली डालेंगे। बाकी चैनल एकदम फ्रेश है और कोई दिक्कत नहीं है चैनल में। इसमें आपके ये लिमिटर सेक्शन है, ये इसका प्रोटेक्शन सेक्शन है और ये इसका डीसी प्रोटेक्शन कट, रिले के लिए जो सप्लाई है वो यहाँ से जाती है इसमें।